तकदार किसको कहते हैं, साहिल किसको कहते हैं कि वो मोड़ते नहीं, कि तलब से भी सुबह किसको ज़्यादा देते हैं। असल बात है ये है कि अपने आप सोचो कि मैं गदा हूँ कि नहीं, पहले तो इस पर करो कि गदा कहते हैं किसे। जब सही गदा बन के आएगा तो फिर अपने ख्याल गुमान से भी ज़्यादा वहाँ से अल्लाह रसूल की मोहब्बत का गलबा, हर वक्त गलबा रहे, फिर अल्लाह की मोहब्बत और रजा में मखलूक़े खुदा के हकूक अदा करो, उनकी खिदमत करो, वो मुस्तकिल होती। अगर ये बात नहीं है तो वो फिर अंदर से नफ्स परस्ती होती, वो जल्दी जज्बाती फैसले से ख़त्म हो जाते, उसकी कोई औकात नहीं, कोई हकीकत नहीं होती। हमारे दिल कहाँ हो और हम कहेंगे हम गदा हैं, आप गदा नहीं है, यहाँ मांग के हम तो उसी को कहेंगे उसको लूटना है, उसको ये करना है, उसको जनाब धोखा देना है, तो वो गदा था नहीं, गदा बन के आया नहीं था, वो तो चोर बन के आया था, चोर था वो, दगाबाज था वो, क्योंकि नीयत गंदी थी। अब नीयत गंदी थी तो फिर रास्ता नहीं, नीयत साफ होगी, अकीदत मोहब्बत होगी, खलूस होगा, आपका छोटा सा अमल भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा इंशाल्लाह, फिर कबूल होगा तो फिर वो बढ़ता रहेगा। ये बुनियाद, ये छोटी सी ये अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद, अपने तमाम अमाल की बुनियाद जो है मोहब्बत पर, फिर मोहब्बत से सोच, फिर हर अमल को।